अल्लाह खैर करे। चांद जी आज बहुत ही लाल लाल नजर आ रहे हैं, क्या चक्कर है? चांद लाल सा होता है अब, जब मतलब 14 की रात हो ना तो फिर ऐसे खूबसूरत चांद सा, कितना सुरख लाल लाल हो रहा है। ऐसा होता है जब ऊपर आ जाएंगे ना फिर ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे ही होगा साफ साफ। सामने बहुत सुरख हो गया, अल्लाह पाक खैर करे। चलें जी जनाब चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं जी। यहाँ पे कौसर तैयार कर रही है लस्सी। ठंडी है या गर्म है? नहीं ठंडी है, सुबह लेके रखी है, बहुत ठंडी है। फ्रिज में रखी थी। चलें बिस्मिल्लाह करें, आप बनाएं इसको तैयार करें। और खाने में क्या चीज़ है? खाने में अंडे हैं और तूरियाँ और अचार और चने। चने नहीं तूरियां, नहीं तो चने थे। तूरियां तो खत्म हो गई, कल तो बनाई नहीं थी ना। हाँ जी, तो कल को बनाई नहीं थी तो तूरियां नहीं, चने मंगवाए थे। चलें ठीक है, अंडे हो गए, साथ में चने हैं, बस जबरदस्त है। और साथ में लस्सी हो जाएगी। ओके हो गया, बस जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, काम बहुत सारे करने हैं। और इस साइड पर बेटी जो है बना रही है, अंडा बन गया ना बेटा? हाँ जी बन गया। चलो ले आओ फिर, शाबाश ले आओ। एक बार फिर गर्मी का फुकदान हो गया है, शदीद गर्मी हो गई है, हवा चलना बंद हो चुकी है। दो दिन बारिश आई है, यानी कि अच्छा मौसम रहा है, हवा चलती रही। एक बार फिर जब बारिश रुकी है, हवा दोबारा से शुरू हो गई है। और फिर कल क्या रहता है भाई जाने का? हाँ जी, हमारी तो फुल तैयारी, क्योंकि महफिल जो है मैंने खुद पढ़नी है ना, तो इसलिए जो है ना, बाकी साथ वाले मेहमान नहीं आए आपके रिश्तेदार। शाम को आएंगे, शाम को आएंगे। हाँ जी, अभी लॉक लगा हुआ है। लॉक लगी है। लकड़ी मंगाई है? लकड़ी मंगाई है, वो देखो। आओ जी लकड़ी देखते हैं। लकड़ी मंगाई है जी, कह रही है लकड़ी आई है और आपने देखी नहीं। मैंने कहा जी दिखा दो लकड़ी किधर आई पड़ी है। वाह लकड़ी तो बड़ी मोटी है। मोटी है ना, ये अभी एक और है, वो शाम को और आ जाएगी। अच्छा चलो, ये गर्मियां तो निकल जाएंगी ना। ये है कि किसी घर में ना ये फूल वगैरह जो लगे हुए होते हैं ना, दरख्त वगैरह, ये तो वो है। हाँ जी, मगर मोटी लकड़ी है, देखो सही मोटी लकड़ी है। ये सूख जाएगी, बड़ी बेहतरीन जलेगी। पैसों की मिली है फ्री में? ये आपके भाई को पता। अच्छा ये मुझे नहीं पता। सही है, ये घर में फूल वगैरह लगे हुए होते हैं दीवारों के ऊपर, उन्होंने काली होगी बाहर टेनी वगैरह जो है ना, बहुत अच्छी लकड़ी बन गई है, जबरदस्त वो भी पड़ी है। चलो आ जाओ, गंद इधर बहुत ज्यादा है। बस क्या करें। हाँ जी क्या कह रहे हो? उई उई क्या हुई? कह रहा अंजीर खाओ। उई हाँ जी अंजीर, माशाल्लाह से इधर जो है ना लाल लाल हुए ये माशाल्लाह। नहीं बस मुझे तो इस टाइम तलब नहीं है, तलब होती तो जरूर खाता। अच्छा, एक ये लगा हुआ माशाल्लाह। चलो ना, चलो अंदर चलो। अभी भाई जी आपको याद कर रहे थे। हाँ जी। पूरी टीम काफी लेके कहाँ गई हुई थी गर्मी में? आपकी फातिमा के घर हम रात के थे, पहले मैं अपनी नंद की तरफ गई थी। अच्छा। फिर मैं उधर आ गई, फिर अब मैं घर जा रही हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। चले ठीक है जी, ये देखे बच्चे को छोड़ देती है, फिर हमें आके इतनी गर्मी हो रही है, ये देखे बस आना पड़ा, बस घर का काम है, फिर कल आपको पता मिलाद पे भी जाना है। तैयारी है जाना? हाँ जी आप आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अभी याद कर रहे थे आपको, पूछ रहे थे सुगरा आप से, पूछ रहा था कि आपके हमसाए किधर गए, अभी तक आए नहीं। हाँ जी बस अब जा रहे हैं घर हम। भाई फातिमा ने रोक दिया था रात, फिर इसलिए रुक गया उस दिन। इससे पहले भी रोका था हमने, कहा अभी जानवर बदले हुए हैं, इससे बात रहेंगे तेरे पास। चले आ जाओ आ जाओ, मैं जा रहा हूँ घर, आ जाओ। मोटरसाइकिलें जी चमक चुकी हैं जी, मुल्तान जाने की तैयारी हो रही है सबकी, बड़े खुश हो रहे हैं मुल्तान जा रहे हैं जी। और यहाँ पर जी मंगाए हैं मज़ेदार नान मंगवाए हैं, पहले प्रोग्राम हो रहा था समोसे मंगाने का, फिर मैंने कहा भी समोसे ना मंगवाए, इससे पेट भी नहीं भरता। आप जो है ना, आप ये नान जो है ना हमारा मशहूर जो है नान पकौड़ा, ये मंगवा लें। हाँ जी आप भी मुल्तान जा रही हो? ये देखो जी सारी ख़राब कर दी, इतनी मेहनत से आपकी आंटी ने लगाई है, कौशल ने लगाई है, सारी ख़राब करके आ गई है। शुक्रिया भी लगवा के आई है हाथ पे, ये देखे जी तेज हो गई है, रच गई है। वो कहते हैं ना जिसका मियां बीवी का प्यार ज्यादा होता है ना, मोहब्बत होती है, तो उसका कलर ऐसे ही आता है। अच्छा जी चलो, ये नान ठंडे ना हो जाएं आपके? नहीं जी मैं नकार रही हूँ, मेहंदी के उसमें नान कहाँ से आ गए। हाँ तो माशाल्लाह अच्छी रच गई है, मैंने तो पहले बोल दिया की माशाल्लाह मेहंदी जो है ना आपकी बहुत ही प्यारी लग रही है, रच गई है, हाथ के साथ मैच हो गई है। हाथ के साथ, ये देखो हाथ के साथ मैच हो गई है बाबा के साथ, है ना? है ना, देख माता कह रही है। हाँ जी नान देखो गर्म है ठंडे हैं, भाई कह रहा है वो उसके पास नान खत्म हो गए। एक मिनट प्यारे चुप करो, बाबा बात कर रहे हैं। वो ना भाई शौकत कह रहे थे भाई नान ना उसके पास खत्म हुए थे, वो ताजे लेके आया, तो फिर ये
फ्राई करके तो बहुत मजे के टेस्टी होंगे क्योंकि गरम गरम है ना। हाँ जी गरम गरम है। हाँ जी अब बताओ क्या कह रहे हो आप, गर्मी हो रही है चक लगा देगा हाथ पे, तंग ना किया करो बेचारे को, मलंग से हैं। चलें जी ये तैसे चटन वगैरह निकलती रहेगी, नान मैं दिखा देता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। ये देखो फ्रेश नान, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई शौकत ने खुद लिए हैं नान। ओह हो सख्त बहुत है, पापड़ की तरह, ये वो चीज़ नहीं है। इसको अंदर रखो ताकि नरम हो जाए। मुझे लगता है ये कहीं और से भाई शौकत लेके आए हैं, जहाँ से हम लेते हैं ना ये वहाँ के नान पकौड़ा नहीं है। चलें दे भी सबको दें, आप ही रुकैया को भी दें, शौकत भाई हैं उनको भी दें। हाँ जी। सबको दें, आप ही बैठे तशरीफ हाँ रखें, बस आप लोग खा लेते हैं कोई बात नहीं। नहीं माशाल्लाह सबके लिए मंगवाए, आप बैठे ना यहाँ पे जी, ये छोटा शहजादा। और आपने समोसे अपने लिए मंगाए हैं? हाँ जी। क्यों नान नहीं खाना? नहीं वो नमी डिश है, ना अच्छी लगे, हर कोई तो शौक से खाता है। हमारे जो खाए नहीं है ना पहली बार, मतलब नान, हमारे जो नान है ना बहुत मशहूर हैं, लोग तरसते हैं कि नान ये कहाँ से मिलते हैं, हमारे पास से नहीं मिलते। मैंने कभी खाए नहीं, आपके सामने आए पड़े आप खा नहीं रही हैं, खाएंगी तो पता चलेगा ना क्या चीज़ है। समोसे भी खा लो नान भी खा लो। शहर पर जी भाई जान बैठे हैं। हाँ जी तैयारी हो गई है भाईजान? भाईजान सुबह जाएंगे इंशाल्लाह, सुबह सुबह चलें। अल्लाह खैर, चलें आप खाना खाएं दोपहर का, आए आप भी आए। हम खाते हैं बिस्मिल्लाह, पहले तो नहीं खाते, जब मेहमान आ जाते हैं ना फिर जब मंगवाते हैं ना फिर तो जरूर खाते हैं। बिस्मिल्लाह करें आप, पानी भी ला कर दें भाई इधर जनाब, पानी ला के दें। अच्छा जी मैं सुगरा की तरफ से ना परेशान हो रहा था, मैंने कहा ये तो जा रही है अपने शोहर के साथ जा रही है, आपका क्या सिस्टम है फिर, कोई क्या प्रोग्राम है? फिर देखते हैं क्या बनता है, ये तो फिर मैं अकेली आ जाऊंगी। हाँ अकेली आ जाओगे। वो ये है ना अगर आपने मम्मी के साथ आना है तो फिर मम्मी को छोड़ देता हूँ इधर ही। हाँ चलो फिर ठीक, क्योंकि फिर आपको पता है ना फिर मसला बनेगा, क्योंकि अगर आपने अब जाना होता ना फिर तो सब यानी टेंशन ना, आपने भी कल को जाना है, आपने भी कल को जाना है। मैं हम तो अब जा रहे हैं ना क्योंकि रात को रहेंगे उधर मुल्तान, सुबह फिर अगर यहाँ से टाइम से निकले फिर तो मैं थक जाऊंगा ना, महफिल पढ़ सकता हूँ, थकावट हो जाएगी बहुत ज्यादा, सफर भी है ना, टाइम से महफिल रात को यानी कि रेस्ट हमारी हो जाएगी, सुबह उठेंगे महफिल करेंगे शाम को घर आ जाएंगे। ठीक है ये सिस्टम है मेरा तो, सही है ठीक है। बाकी आप जो है ना सुबह अम्मी के साथ आप और साथ इनाम जो है ना भाई शौकत आपको बिठाएगा गाड़ी पे, फिर भाईजान और आप ही जो है ना ये फिर पीछे पीछे आपके साथ साथ ही आगे पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया, डन हो गया जी। और एक अमानत है जी मेरे पास, वो मैं अमानत देता जाता हूँ, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बहुत ही प्यारी हमारी बहना हैं, मिस्टर एंड मिसेज सेठ उस्मान यूके में रहती हैं और आपका ताल्लुक इंडिया गुजरात से है, उनकी तरफ से दादाजी की अमानत है छोटी सी, आप इनको दे दें। ये जी आपकी अमानत है, आपके बेटे हैं उस्मान यूके में रहते हैं, उन्होंने ये आपकी खर्ची भेजी है। आमीन 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 आमीन। आप काम नहीं कर सकते, बुजुर्ग हैं, आपको भी मैं कितनी बार कहता हूँ आप भी खिदमत किया करें, किसी चीज की कमी ना आने दिया करें। इन बुजुर्गों से घर की रौनक होती है, जब हमारे दादा होते थे ना हमारे घर में बड़ी रौनक होती थी, बच्चों को यानी के नसीहत करना, लड़ना भिड़ना, अब वो नहीं है ना, वो बुजुर्गों की ना दुआ खत्म हो गई है, रहमत बुजुर्गों की घर से चली गई है, तो इसलिए जो है ना ये आपके पास रहते हैं ना तो आपके घर में रहमत है। आप जितनी आप खुद ना खाएं इनका ख्याल रखें, ये बेचारे अकेले तन्हा हैं, इनको तन्हाई महसूस ना होने दें, बाहर बैठे हुए बहन भाई हमारे हैं वो एहसास करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम साथ जो है ना, हमें भी चाहिए मिल जुल के जो है ना दादा की खिदमत करें, पहले दादा को खाना दें फिर खुद खाएं। माशाल्लाह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखने वाले बहन भाई इतराज कर देते हैं ना, क्योंकि हर चीज तो वीडियो में नहीं दिखाई जाती ना, तो बताने का मकसद यह है कि सुगरा और रुकैया जाना माशाल्लाह दादा की जितनी खिदमत होती है मुझसे हम सब मिलके करते हैं, इनके बेटे भी करते हैं जितनी हो जाए, बस ये है कि इनको कहते रहे भी हमारे साथ चलो, ये कहते हैं जी मैंने इधर ही रहना है, आप जा रहे हैं अच्छा चलें, ये बहुत अच्छी बात है, आप फातिमा आपी के पास जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इस जुम्मे को चलो अल्लाह खैर करेगा, ये आपकी अमानत आपको दे दी है, आप जो है ना अपना जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं। तैयारी जी हमने कर ली है, शाम भी हो चुकी है जी, जनाब तैयार हो गई हो? जी बिल्कुल तैयार हो गई। क्या कहने आपके, आपकी करम आपकी मेहरबानी है। ये देखिए जी मेहंदी अब दिखाएं, कॉल सियाह हो गई है मेहंदी,
आपका प्यार भी इतना गहरा है ना, फिर इसलिए मैंने भी कह रही होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर दूसरी मैडम साहिबा, खा खा खा, शोदे को रख ना, खा इस बेचारे को। फलूदा जी मिलता है, गर्मी है ना हमारे इधर, गोला और फालूदा जो है ना वो बहुत ठंडा होता है, सुकून देता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। खा खा शाबाश। और इस साइड पर जारा पता नहीं स्टूल पे चढ़ी हुई है। उस्ताद इतने तक पहुंच गए वे। वो ना आप लेते हैं ना, आ नहीं रही थी इसमें, मैंने पहले सारी सेटिंग की इसकी, फिर लगा रही हूँ। चले माशाल्लाह, ठीक है जी। ज़ारा ख्याल रखिएगा घर का, काके का भी ख्याल रखना है। हम फिर इंशाल्लाह कल शाम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए जा रहे हैं जल्दी, क्योंकि कल जाते ना तो थक जाते रास्ते में। तो यह है कि रात को वहां पे स्टे करेंगे बाजी के पास, सुबह महफिल इंशाल्लाह अटेंड करके फिर वापस फौरन इंशाल्लाह, क्योंकि काम एक जिम्मे लगा हुआ है, बहुत जिम्मेदारी का काम है, वो मैंने आके करना है। दो तीन काम है बल्कि, वो सारे मैंने आके जो है ना पेंडिंग में रख दिए हैं, माजरत भी की है। इंशाल्लाह वापस जब आएंगे फिर करेंगे। आओ जनाब चलें। ज़ारा फिर ख्याल रखना घर का। अच्छा अल्लाह अल्लाह करके जी पहुंच गए हैं, बड़ा टाइम लग गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुबारक। खैर मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक है ना। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। ये जरूरी था चाचा सूफी। चाचा सूफी पानी देते हैं, पानी दो कक्षा बेटे। तीन बाकी है भाई, मैं जी उधारे रह गए जी, उधारे तीन बाकी है, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है जी, ठीक है। ये बाजी अस्सलाम। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है हाँ जी, आप ठीक है? आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, अल्लाह पक्का शिकार है। ये साथ नहीं आई दोनों? नहीं, ये क्या तो रास्ते में से मिली है फिर? ये अभी रास्ते में से नहीं मिली। अच्छा। अभी देखा इनको तो मैंने, ये कहते सही रास्ते से मिली है। मैं भी दुआ मांगा, दुआ मांग के जाऊंगा फिर। अच्छा। अल्लाह मुझे भी दो चार दे दे। देखे जो हक है, हक ही है ना, बेहयाई को तो प्रमोट नहीं किया ना, बस हक सच हक है जो वो हक ही है। देर हो गई है ना, इंतजार में थे या सोने लगे थे आप भी? नहीं भाई, हमने चलपाई मांगी है मोहल्ले में, हम वलीमा खा के आए, वलीमे के बाद फिर हमने आके मोहल्ले में से चलपाई मांगी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक अपनी भी देगा इंशाल्लाह। हां नहीं अपनी भी है माशाल्लाह, ये नहीं। हां जी, जब मेहमान आते हैं ना फिर ऐसा ही होता है, हर जगह पे ऐसे होता है, जब मेहमान आ जाते हैं ना फिर जो है ना हमसाये से पकड़नी पड़ती है चीजें वगैरह, सर्दी हो तो रजाइयां वगैरह लेनी पड़ती हैं, गद्दे वगैरह लेने पड़ते हैं, हमारा सिस्टम की जरूरत पड़ती है। घर में सर्दियों में किसी चीज की हाँ जी हाँ जी, चले बैठे पहले जो इंसान सही बात है, कंबल आपके पास बहुत सारे हैं। चले जी प्यारे बहन भाई, थकावट हमें हो चुके हैं फिलहाल जी, लेते हैं हम आपसे इजाज़त। अभी पहुंचे हैं जी मुल्तान, आप रुबीना के पास पहुंचे हैं, भाई खुरम के पास पहुंचे हैं, और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हम निकले थे 6:36 पे। अब टाइम आप क्या हो रहा है आपके पास मोबाइल में? 10 बज गई है, पता नहीं कितना टाइम है। खड़ी होना फिर मेरी एक भाभी फिर लगा देना। हाँ जी, अंधेरी थी ना रास्ते में, इतनी शदीद अंधेरी थी। आप इधर आ जाओ। गाड़ी ने इतना लेट कर दिया। हाँ जी, वो ना सारा रास्ता खराब, कहीं अपना अंधेरी थी, कहीं पे बादल गर्ज रहे थे, इसलिए जो है ना 3-4 जगह पे रुकनी भी पड़ी है गाड़ी अंधेरी की वजह से। फिलहाल जी लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में रखिएगा। याद जाने से पहले अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।